बहुत समय पहले की बात है, इच्छा नगरी गांव में सुमन अपने पति रमन के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रही थी। सुमन और रमन की अपनी इकलौती बेटी सुधा थी। सुमन और रमन हमेशा से ही अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहते थे और उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे। एक दिन की बात है जब रमन और सुमन दोनों एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं। सर्दियों के दिन थे, बहुत कोहरा था जिसकी वजह से रास्ते साफ नहीं दिख रहे थे। रमन बहुत अच्छी ड्राइविंग करता था लेकिन कोहरे की वजह से सामने ट्रक नहीं दिखता और रमन की गाड़ी उस ट्रक के नीचे दब जाती है। रमन और सुमन दोनों ही इस दुनिया से चले जाते हैं और अपनी बेटी को यहाँ अकेला छोड़ जाते हैं। ये बात जब सुधा को उसके रिश्तेदारों से पता चलती है तो वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। सुधा बहुत छोटी थी जो वो ये चीज बहुत अच्छे से समझ पाए, लेकिन वो बहुत लाड प्यार से पली बढ़ी थी जिस वजह से उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। लेकिन सुधा के चाचा यमन दिल के बहुत अच्छे थे, इसलिए वो उसे अपने घर ले आते हैं। सुधा के चाचा की दूसरी शादी सुमित्रा नाम की औरत से होती है जो बहुत ज्यादा गुस्सैल और घमंडी होती है। सुमित्रा जब देखती है कि यमन सुधा को घर लेकर आए हैं तो सुमित्रा यमन को दूसरे कमरे में ले जाकर कहती है, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो अपनी बेटी समझकर इसे अपने घर ले आए, लेकिन मैं इसे यहाँ पर 2 मिनट और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे अपने बच्चे पसंद है, जब हमारे बच्चे होंगे मैं उन्हें अच्छे से पालूंगी रखूंगी, लेकिन मुझे किसी और के बच्चे पालना नहीं पसंद। फालतू की बातें मत करो सुमित्रा, मैं अपने घर के बच्चों को दर दर भटकता हुआ नहीं देख सकता, और फिर ये मेरे बड़े भाई की बेटी है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। कल को हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटे और लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करें तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? भगवान ना करे ऐसा हो, अच्छे अच्छे शब्द बोलो, शाम का वक्त है। देख लिया सुमित्रा, तुम्हें तो अभी भगवान ने बच्चे भी नहीं दिए और तुम ये बातें सुनकर डर गई, लेकिन इस बच्चे के बारे में सोचो, ये दुनिया में अकेली क्या करेगी, इसके माता पिता भी नहीं है और हम ही हैं जो इसके देखरेख कर सकते हैं। यमन जैसे तैसे सुमित्रा को समझा लेता है, लेकिन ये सारी बातें बाहर खड़ी सुधा सुन लेती है। सुधा समझ जाती है कि उसकी चाची को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो अपनी चाची के बताए हुए हर काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, मेरे माता पिता को गए हुए अभी कुछ दिन बीते हैं और लोगों ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। मुझे ये दिखावटी दुनिया बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मेरी मजबूरी है इस घर में रहना, इसलिए मैं अपने चाची के बताए हर काम को चुपचाप कर दिया करूँगी। यमन काम से बाहर जाया करता और कुछ दिनों बाद वापस लौटा करता। सुमित्रा यमन के सामने हमेशा सुधा को बहुत अच्छे से रखती और उसे प्यार भी करती, लेकिन जैसे ही यमन काम के लिए शहर जाता, सुमित्रा सुधा से तरह तरह के व्यंजन बनवाती, पूरे घर का काम करवाती, और जब सुधा के खाने का नंबर आता तो उसे रूखी सूखी 2 रोटियां दे दिया करती। पूरे दिन सुधा मेहनत करके घर को संभालती, लेकिन रात में सूखी रोटियां खाकर सोती। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और एक हफ्ते बाद यमन घर वापस आता है। सुधा बेटी कहाँ हो, जल्दी आओ, ये देखो तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अरे वाह, इतना सुंदर ड्रेस, ये तो मैं अपने बर्थडे पर जरूर पहनूंगी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरी सेहत को क्या होता जा रहा है, तू तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। जैसी ही सुधा कुछ बोलने वाली होती है तभी सुमित्रा उसे रोककर कहती है, ये अपने माता पिता की याद में रोटी तक नहीं खाती, इसलिए इसका ये हाल है। मैं इसे बहुत कहती हूँ कि समय से रोटी खाया कर, लेकिन ये मेरी बात मानती ही कहाँ है। सुधा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हें यहाँ हंसी खुशी रहना होगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और फिर तुम्हारी चाची भी तो है जो तुम्हें इतना प्यार करती है। यमन की बातें सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुधा अपने चाचा को गले लगाकर कहती है, आप काम करने बाहर ना जाया करें, आप यहाँ पर कोई काम ढूंढ ले, मुझे आपके साथ रहना बहुत पसंद है, मुझे आपके घर पर होने से पिताजी का रूप आप में दिखाई देता है। देखो ये हमसे कितना प्यार करती है, लेकिन सुधा तुम्हारे चाचा जी बाहर जाते हैं तभी तो पैसे लेकर आते हैं, गांव में कहाँ इतना कोई पैसा देगा। यमन अपने भाई की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था और उसकी देखरेख करता है, जिस वजह से सुधा भी उसे बहुत प्यार करती थी। सुधा अपने चाचा को अपने पिताजी के रूप में देखती थी, लेकिन सुधा के चाचा बहुत मजबूर थे जो वो शहर में काम करने जाया करते थे। अगले दिन सुबह सुबह यमन अपने काम के लिए शहर निकल जाता है।
जैसे ही यमन घर से बाहर निकलता है, सुमित्रा सुधा को गुस्से से कहती है, क्यों लड़की, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है। तुझे मैंने 100 बार समझाया है कि जब भी तेरे चाचा घर आए तो तुझे खुश रहना है, अच्छे से बात करनी है। आज तूने ये क्या रोना धोना लगा रखा था। अगर यमन गांव में काम करने लगेगा तो मैं चैन और आराम की जिंदगी नहीं जी पाऊंगी, फिर सारा काम मुझे करना पड़ेगा। चल जा यहाँ से और मेरे लिए ब्रेड पकौड़े बना कर ला। सुधा रसोई में चली जाती है और अपनी चाची की इच्छा पूरी करती है और उन्हें खाना खिलाकर घर के काम करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सुधा की तबीयत बिगड़ जाती है और वह थोड़ी देर सो जाती है और ढेर सारे बर्तन रसोई में छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी चाची रसोई में आती है तो ढेर सारे बर्तन देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और सुधा के कमरे में पहुंच जाती है। ओ तो महारानी यहाँ सो रही है, चलो उठो महारानी, अब जाकर बर्तन धो, क्योंकि इतना सारा ढेर सारा बर्तन मैं नहीं धोने वाली। चाची मेरी तबीयत खराब है और मैं इतने सारे बर्तन नहीं धो पाई, आज आप बर्तन धो दो। देख बर्तन को मैं हाथ नहीं लगाने वाली, तुझे ही धोने पड़ेंगे, चाहे तू अभी तो या कल सुबह, मैं नहीं जानती। सुमित्रा के इस बर्ताव से सुधा परेशान हो जाती है और चुपचाप सारे बर्तन धो देती है। सुधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन सुमित्रा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और उसे बहुत सारा काम कराती है। रात को बैठकर सुधा अपने माता पिता को याद करती है, काश पिताजी और माँ आप दोनों यहाँ पर होते तो मुझे ये सब काम नहीं करने पड़ते, लेकिन मेरी सौतेली चाची तो मुझ पर अत्याचार का पहाड़ तोड़ती रहती है। सुधा को परेशानी में देखकर उसके माता पिता की तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी गुड़िया तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग भगवान से थोड़ा सा समय लेकर तेरी बात सुनने आए हैं। इधर आओ बेटी, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बेटा हम बहुत बुरा महसूस करते हैं जब तुम्हारे साथ गलत होता है, अब हम तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकते, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए मेरी जादुई साड़ी है। इस जादुई साड़ी को तुम अपने साथ रख सकती हो और ये साड़ी तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। काश माँ आप मेरे पास वापस आ सकती, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरे माता पिता वापस से मेरे साथ चाहिए। बेटा अब हम तुम्हारे पास तो नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब ये जादुई साड़ी तुम्हारा ख्याल रखेगी, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सुधा की माँ और सुधा के पिता वापस स्वर्ग में पहुँच जाते हैं और सुधा अपनी जादुई साड़ी उठाकर उससे कहती है, हे जादुई साड़ी मैं इस घर का काम करते करते थक गई हूँ, मुझे कुछ दिन आराम चाहिए, आप रोजाना इस घर का काम संभाल लिया करो। सुधा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा काम चुटकियों में संभाल लिया करूंगी और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा रूप लेकर ही काम करूंगी ताकि तुम्हारी सौतेली माँ को कुछ भी पता ना चल पाए। ठीक है मुझे अभी गर्मा गर्म पकौड़े खिला दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ अपनी माँ के हाथ के पकौड़े। सुधा के इतना कहती ही जादुई साड़ी बहुत सारे पकौड़े तैयार कर देती है और सुधा को खाने के लिए दे देती है और सुधा गर्मा गर्म पकौड़े एंजॉय करके खाती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई साड़ी सुधा का रूप लेकर पूरे घर में काम संभालती और सभी काम संभाल कर सुधा के कमरे में वापस आ जाती है। ये सब देखकर उसकी सौतेली चाची हैरान रह जाती है, लेकिन समय से काम मिलने पर सौतेली चाची भी सुधा से कुछ नहीं कहती। इस तरह सुधा अपनी जिंदगी चैन और आराम से जीने लगती है, क्योंकि जादुई साड़ी उसका हर काम आसान कर देती है। सुधा अब अपने जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगती है। पूनम और रिंकी दोनों अपनी माँ गोमती के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। रिंकी जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। गोमती किसी तरह दूसरे के घरों में काम करके अपना खर्चा चलाती थी। पूनम बेटा मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, तुम अपना और रिंकी का ध्यान रखना, ठीक है माँ? माँ आज तो आते वक्त मेरे लिए जलेबी लेकर आओगी ना? कितने दिनों से कह रही हो लेकिन आप हो कि लाते ही नहीं हो। अच्छा ठीक है ले आऊंगी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गोमती चली जाती है। पूनम घर के कामों में लग जाती है और रिंकी बाहर खेलने चली जाती है। अरे कोमल और चांदनी आज खेलोगे नहीं क्या तुम दोनों? नहीं रिंकी अब से हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब से हम स्कूल पढ़ने जाएंगे और स्कूल जाने वाले बच्चे तुम जैसे गरीब न पढ़ने वाले बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। हाँ रिंकी इसलिए आज से तेरी हम लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं है, आज से तेरी हम सबकी कट्टी। क्या स्कूल, वो क्या होता है?
अरे पागल, स्कूल में हम जैसे अमीर लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, वहाँ जाने से बड़े होने के बाद हम बड़े बड़े अफसर, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर सब बन सकते हैं। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो अब से मैं भी तुम लोगों के साथ स्कूल जाऊंगी। हाँ, ये सुनकर चांदनी और कोमल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बाबली हो गई है क्या? अरे तेरे को एक टाइम भरपेट खाना मिल जाए वही तुम्हारे लिए बहुत है। आई बड़ी स्कूल जाने वाली, तुम्हें पता है उस स्कूल की कितनी फीस है? कितने? अरे जितनी तेरी माँ पूरे साल भी जमींदार के घर बर्तन मांझकर नहीं कमा पाएगी। अब चल निकल यहाँ से, और अब से तुम्हारी हमसे कोई दोस्ती नहीं है, समझी? तुम लोग देख लेना, मैं जरूर स्कूल जाऊंगी और तुम लोगों से बड़े स्कूल में जाऊंगी और बड़े होकर बहुत बड़ी इंसान बनूंगी, देख लेना तुम दोनों। हाँ। सपना अच्छा है रिंकी, लेकिन ये सब तुम सिर्फ सपनों में ही कर सकती हो, हकीकत में नहीं। अब चलो भागो यहाँ से। रिंकी रोते रोते घर आ जाती है। अरे रिंकी क्या हुआ, आज तो बड़ी जल्दी खेल कर आ गई। रिंकी बिना कोई जवाब दिए अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। क्या हुआ रिंकी, किसी से तेरी लड़ाई हुई क्या, या किसी ने तुझे कुछ कहा? लेकिन रिंकी फिर भी कोई जवाब नहीं देती है। शाम को गोमती काम पर से जब वापस आती है तो वो रिंकी के लिए एक जलेबी लेकर आती है। रिंकी बेटा ये देख, तू कब से जलेबी की जिद कर रही थी ना, आज मैं तेरे लिए मालकिन से एक जलेबी मांग कर लाई हूँ। माँ मुझे कोई जलेबी नहीं खानी है। अरे रे क्या हुआ मेरी बेटी को, दीदी ने डांटा है क्या, क्या हुआ बेटा? माँ पता नहीं इसे क्या हुआ है, जब से शाम को बाहर से खेल कर आई है तभी से इसका मुंह बना हुआ है, मुझे तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। अब आप ही इसे पूछ कर देखो, शायद ये आपको कुछ बता दे। रिंकी बेटा क्या हुआ बता मुझे। माँ माँ मुझे भी कोमल और चांदनी की तरह स्कूल जाकर बहुत बड़ा इंसान बनना है, मुझे भी पढ़ने जाना है। माँ लो देख लिया ना माँ, और इसे बाहर खेलने भेजो, मैं पहले ही कहती थी ना ये बाहर के बच्चों को देखकर घर आकर यही सब उठपटांग जिद करेगी, अब पूरा करो इसका जिद कहाँ से पूरा करोगी। रिंकी बेटा तुझे तो पता है ना हम कितने मुश्किल से एक वक्त का खाने का पैसा जुटाते हैं, अब ऐसी हालत में हम तुम्हें पढ़ने कैसे भेज सकते हैं, वहाँ तो पढ़ने के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना। ये तो बहुत गलत बात है ना माँ, शिक्षा सिर्फ अमीर के बच्चों के लिए ही नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने का हक सभी को बराबर होना चाहिए, और जिसमें काबिलियत हो नौकरी उसी को मिलनी चाहिए, लेकिन जब हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी, फिर तो सारा जीवन हमारा ऐसे ही गरीबी में गुजरेगा। हाँ बेटी, हम गरीबों की किस्मत पहले से ही लिख दी जाती है, हम गरीबों की किस्मत में गरीबी और भुखमरी के सिवा कुछ नहीं लिखा होता। अब ये सब छोड़ और चल चल कर खाना खाते हैं। उसके बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। माँ ये कैसा खाना है, सूखी रोटी, मतलब सूखी रोटी कौन खाता है माँ? माँ इसकी जबान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना, तभी चर्बी चढ़ते जा रही है। सुन रिंकी, अब कल से तू घर में रहकर किसी के घर नहीं जाएगी, अब तू कल से मेरे साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने चलेगी, तभी तुझे पता चलेगा कि गरीबी में पैसे कैसे कमाते हैं। अब चुपचाप से ये रोटी खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं सही, मैं भी गरीबों की तरह ये सूखी रोटी नहीं खाऊंगी, कल से मैं भी मेहनत करूंगी और पेट भर अपने मन पसंद का खाना खाऊंगी। उसके बाद रिंकी अपनी थाली की रोटी उठाकर बाहर कुत्ते को खिला देती है। अगले दिन रिंकी अपनी दीदी के साथ जंगल लकड़ियाँ चुनने जाती है और पूरे दिन जंगल से लकड़ियाँ चुनकर उसे बाजार में बेचती है। देख लिया ना रिंकी कितनी मेहनत से ये पैसे आते हैं। रिंकी हम तेरे दुश्मन नहीं है, हम भी चाहते हैं कि तुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी मिले, लेकिन रिंकी हम गरीब हैं, हम तेरे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज तुमने ये जो पैसे कमाए हैं इससे मैं तेरे लिए बहुत ही बढ़िया सा खाना जरूर बना सकती हूँ। पैसे लेकर वे लोग बाजार की तरफ जा ही रहे थे तभी वहाँ एक छोटी लड़की आती है। दीदी दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने दो दिनों से कुछ नहीं खाया, दीदी मुझे कुछ पैसे दे दो दीदी। तभी रिंकी अपनी कमाई का सारा पैसा उस लड़की को दे देती है। रिंकी तुमने सारे पैसे उस लड़की को क्यों दिए, तुम्हें पता है ना
उन पैसों की हमें कितनी ज्यादा जरूरत थी। आज फिर से तुम्हें सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं सूखी रोटी खा लूंगी। अगले दिन रिंकी जब पूनम के साथ जंगल लकड़ियां चुनने जाती है तो देखती है कि एक प्यारी सी हिरन जख्मी हालत में वहाँ पड़ी होती है। दीदी, ये हिरन तो काफी ज्यादा जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद दोनों बहन मिलकर उस हिरन के घाव पर पट्टी करती है और जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़कर उस हिरन के जख्मों पर लगाती है। और कुछ देर बाद जब उस हिरन को होश आता है तो उसे हरे हरे घास खाने को देती है। तभी अचानक से वो हिरन एक परी में बदल जाती है। ये देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती है। घबराओ नहीं, मैं इस जंगल की नीली परी हूँ। एक जादूगरनी मेरा पीछा कर रही थी, उसी से बचने के लिए मैंने हिरन का रूप लिया था, लेकिन एक शिकारी ने मेरा ये हाल कर दिया। पर तुम दोनों की वजह से मेरी जान बच पाई है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान बचाने के बदले तुम दोनों मुझसे कोई भी एक मनचाहा वरदान मांग सकती हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? परी जी, ये तो हमारा फर्ज था, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। पूनम, तुम मांगो, शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। परी जी, वैसे तो हम अपनी गरीबी में बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी बहन गरीबी में नहीं जीना चाहती है। वो पढ़ना चाहती है परी जी, और पढ़ लिख कर वो कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन हमारे गांव के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अमीरों के ही बच्चे पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे गांव में एक ऐसा स्कूल हो जाए जहाँ गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उस स्कूल से पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। पूनम, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी चीजें मांगी है। ये लो पूनम, ये एक जादुई छोटा सा स्कूल है, और ये सिर्फ गरीबों का स्कूल नहीं बल्कि अमीरों के स्कूल से 100 गुना अच्छा सोने और चांदी का स्कूल है। इसका हर एक कमरा सोने और चांदी से बना हुआ है। तुम इस स्कूल को ले जाकर किसी खुले जमीन पर रख देना, ये अपने आप बड़ा हो जाएगा और इस स्कूल में सभी गरीबों के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। और इस स्कूल के बच्चों को खुद मैं पढ़ाने आऊंगी। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देकर इन गरीबी से बाहर निकालूंगी। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। उसके बाद दोनों बहनें परी का दिया हुआ छोटा सा सोने और चांदी का स्कूल लेकर घर आ जाती है और फिर खुले मैदान में वो स्कूल रख देती है। देखते ही देखते वो स्कूल काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर गांव के सभी बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, नीली परी पढ़ाने के साथ साथ गांव के गरीब बच्चों की आर्थिक मदद भी किया करती है। ये लो रोशनी, ये सोने के सिक्के हैं। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है ना, ये उनके इलाज के लिए है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी मैम। ऐसे ही नीली परी पढ़ाने के साथ साथ हर किसी की मदद भी किया करती है। जब ये बात चांदनी और कोमल को पता चलती है तो वो दोनों भी परी के सोने चांदी के स्कूल में आती है। अरे चांदनी, ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ देखो जगह जगह सोना ही सोना है। हाँ यार, अगर ये इतना सारा सोना हमारे पास आ जाए फिर तो हम इस गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। तभी नीली परी वहाँ आती है। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या बताओ परी जी, परी जी हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। परी जी, हमें आप अपने सोने के स्कूल से कुछ सोना दे दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर सके। हाँ परी जी, चांदनी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप प्लीज हमारी मदद करिए। ठीक है बच्चों, ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के हैं। कोमल चांदनी जैसे ही पैसे लेकर अपने घर आती है तो देखती है कि जहाँ पर उसका घर था अब वहाँ पर कोई घर नहीं है और उसके माता पिता पूरी तरीके से कंगाल हो चुके हैं, उनका सब कुछ अब खत्म हो चुका है। ये देखकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर दोनों जल्दी से नीली परी मैडम के पास जाती है। हमें माफ कर दीजिए परी मैडम, हम लालच में अंधे हो चुके थे, हमने आपसे झूठ कहा था, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है,
हमें माफ कर दीजिए, हम समझ चुके हैं आप सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करती हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें फिर से पहले की तरह कर दीजिए। उसके बाद नीली परी दोनों को माफ कर देती है और फिर गांव के सभी बच्चे उस सोने चांदी के स्कूल में खुशी खुशी पढ़ने लगते हैं।